प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर होस्ट अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती नाज़िर अली खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेगी मजहब के ऊपर बल्कि बात करेंगी धर्म परिवर्तन पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। द कश्मीर फाइल एक मूवी आई थी, द कश्मीर फाइल, जिसमें ये साफ तरीके से पूरा दिखाया गया है। इसको बहुत बहुत अच्छे से मतलब एकदम दर्शा करके बड़े पर्दे पे दिखाया गया है। एंड दिस इज द रीजन कि हिंदुस्तान के मुसलमान द कश्मीर फाइल से चिढ़ रहे थे कि हिंदू पंडितों को कैसे मारा गया है, निकाह मुत्ता का कैसे इस्तेमाल किया। ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुस्लिम, जब ये आई थी तो हम लोगों ने पब्लिक रिव्यूज लिए थे, तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी बहुत एंग्री रिएक्शन। इसमें मुसलमानों की हठगर्मियां, मुसलमानों की दिलेरी, इस्लाम का मिसयूज करके इस्लाम के हवाले से लड़कियों को अपने अपने निकाह मुत्ता में लेकर के अपनी अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना, ये सारी चीजें हो रही थी, जो 370 हटने के बाद माशाल्लाह अभी भगवान की कृपा है कि सब कुछ सुकून में है और शांति में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पर इस्लाम में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या मना किया गया है, फिर भी मुसलमान उसको मान रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो। ठीक है, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिससे बहुत कुछ क्लियर होगा आपको। और ये निकाह मुत्ता वाला जो आपका जो कंटेंट है ना, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। देखिए सूरे अले इमरान आयत नंबर 102 में ये बताया गया है कि कुरान फिरका परस्ती मना करता है। कुरान, ठीक है, सूरह अले इमरान आयत नंबर 102 ये बताता है कि फिरका परस्ती नहीं करनी है, मतलब अहमदिया देवबंदी ये वो जितने भी हैं जो 72 फिरका के नाम पर जो बम गोली बारूद जो चलाया जाता है, तो इसको कुरान ने मना किया है। कुरान ने कहा है कि कुरान इज अ रोप फॉर एवरी उम्मत, कुरान इज अ रोप फॉर एवरी उम्मत। इसका मतलब होता है कि कुरान ने आप तमाम उम्मतों को एक रस्सी में बांध कर रखा है, और इस दुनिया में इस्लाम और प्रॉफिट को मानने वाले, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले जो भी लोग हैं वो हमारी उम्मत में आते हैं। फिरका परस्ती नहीं करनी है किसी भी तरीके से, मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को अलग अलग फिरकों में नहीं बांटना है। ये कुरान ने अली इमरान आयत नंबर 102 में बता दिया था, लेकिन लोग कर रहे हैं। आपके यहाँ कभी अहमदिया मस्जिद में बम फटता है, कभी वहाबी मस्जिद में बम फटता है, कभी शिया मस्जिद में बम फटता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत चर्चे में आती है बात कि अरे हिंदू तो गाय की पूजा करते हैं और मुसलमान तो बीफ खाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ सूरह यासीन वर्सेस 71 एंड 72 चैप्टर नंबर 36, ये खुद प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि गाय की घी खाइए, गाय का दही खाइए, गाय से बनी हुई जो डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं आप उनको कंज्यूम कीजिए। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि गाय का गोश्त खाने से बीमारियां पैदा होती हैं, और मैं ये वर्बल नहीं बोल रही हूँ, सूरह यासीन वर्सेस 71 72 चैप्टर नंबर 36 मैं वर्बल नहीं बोल रही हूँ। मैंने फिरका परस्ती की बात आपको कुरान के हवाले से बोली है, और मैं अभी बीफ के बारे में भी आपको कुरान के हवाले से बोल रही हूँ। ठीक है, आपको दो चीजें क्लियर हुई। अब मैं आपको बता रही हूं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, जिससे आप जो अभी डर रही थी इस बारे में बात करने के लिए वो डर खत्म हो जाएगा। सूरह अंबिया सूरह नंबर 56, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने वक्त में एक पूरे बुतों को तोड़ा था। ये कुरान कह रहा है भाई, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुरान कह रहा है कि सूरह अंबिया सूरह नंबर 56 में हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने पूरे बुतों को तोड़ दिया था। ठीक है, उनके वालिद साहब बुत बनाया करते थे,
तो जब उनके वाले साहब बाजार गए और सामान लेकर के आने के लिए, तो छोटी बड़ी जितनी भी बुतें थी उन्होंने उसको तोड़ दिया था, और एक बड़ी बुत थी उसको उन्होंने रहने दिया था। जब उनके वाले साहब वापस आए, ये कुरान कुरान का जिक्र मैं बता रही हूँ, जब उनके वाले साहब वापस आए तो उन्होंने जब पूछा कि भाई तुमने ये किसने किया, तो जो बड़ी बुत बच गई थी उन्होंने कहा कि इसने किया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने कहा कि ये बुत है, ये ना बोल सकती है, ना चल सकती है, ना कुछ कर सकती है, इसने नहीं तोड़ा है। ठीक है, आप समझ रही है मेरी बात को? तब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर आया, तब उन्होंने ये तकरीर की, ये तहरीर की और ये फतवा किया कि कोई भी किसी भी कस्म की, किसी भी तरह की कोई भी बुत परस्ती नहीं होगी। इवन उन्होंने कुरान में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, यही सूरे अंबिया में लिखा हुआ है कि उन्होंने यहां तक कहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि मजार से लेकर के जो लोग मार्बल से और इससे उससे जो बहुत खूबसूरत से अपना अपना मकबरा बनाते हैं, वो उन सारी चीजों से उन्होंने बोल करके कहा था कि सबको तोड़ दो, सबको तोड़ दो। समझ में आई बात? तो ये सूरे अंबिया सूरा नंबर 56 कहता है कि कोई भी तरह की बुत परस्ती नहीं होगी। तो दिस इज द रीजन कि देखिए मुसलमान इसका भी मिसयूज कर रहे हैं, मैं आपको हर एक चीज बता रही हूँ, मुसलमान इसका भी मिसयूज कर रहे हैं कि हिंदुओं के बुतों पर, हिंदुओं के पूजा पाठ पर वो हमेशा अड़चन डालते हैं, जो हमने पहले भी बात की थी नूह और मेवात के बारे में हरियाणा में, लेकिन वो अपने मजार को नहीं तोड़ते हैं। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में कहा था कि मजार भी तोड़ो, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो लोग मजार परस्ती करते हैं वो गुनाह है, वो सिन है, जो लोग मजार परस्ती की वर्शिप करते हैं वो गुनाह है, वो गुनाह में शामिल है और उसको जन्नत नसीब नहीं होगा जो मजार जाते हैं। ये कुरान में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको चार चीजें क्लियर की कि इस्लाम वाले कितना मिसयूज करते हैं, आधी चीजों को मानते हैं और आधी चीजों को ट्विस्ट कर देते हैं। अब ये बुत परस्ती की बात में हदीस, क्योंकि आपको कुछ लोग टोकेंगे कि नहीं हमारा हदीस ये नहीं कहता, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना अल्लाह के मानने वाले कम है, मुल्ला के मानने वाले ज्यादा है, कुरान के मानने वाले कम है, हदीस के मानने वाले ज्यादा है। तो अब देखिए सही मुस्लिम की हदीस आती है 1930, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो लोग भी रसूल की उम्मत से आते हैं वो बुत परस्ती नहीं करेंगे और बुतों का खात्मा करेंगे। तो हदीस भी ये बात कह रहा है और कुरान भी ये बात कह रहा है, पर अब इसमें आ जाइए कि कहां पर मुल्लाओं ने और हदीस ने ट्विस्ट किया है। कुरान कहता है कि मजार भी तोड़ो और बुत भी तोड़ो, या जो बहुत डेकोरेट करके अपना अपना कब्रिस्तान बनाता है उसको भी तोड़ दो, लेकिन हदीस ने क्या किया है, वो वाला पूरा चीज निकाल दिया साइड से, मजार वाला, कब्रिस्तान वाला, डेकोरेशन कब्रिस्तान वाला, वो सारी चीजें हदीस ने निकाल दी और सिर्फ बुत पर बात छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ बुत पर बात छोड़ दी। तो अभी जितने भी मुसलमान हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं और इस तरीके की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, बेसिकली वो कुरान को फॉलो करके नहीं कर रहे हैं, वो हदीस को फॉलो करके कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे मिलने जुलने वाले में, या हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो अल्लाह की उम्मत से नहीं है, वो मुल्ला की उम्मत से है, वो कुरान के फॉलोअर नहीं है, वो हदीस के फॉलोअर है। समझ में आई आपको बात? अगर कुरान ने बुत को तोड़ने की बात कही है तो डेकोरेटेड कब्रिस्तान को भी तोड़ने की बात कही है, डेकोरेटेड मजार को भी तोड़ने की बात कही है और बुतों को भी तोड़ने की बात कही है। अब मैं आती हूँ धर्म परिवर्तन, जो आपके पाकिस्तान में भी होता है और हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, मैं अपने हिंदुस्तान को छोड़ूंगी क्योंकि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब मैं कन्वर्शन पर आती हूँ। कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है ला इकरा फिद्दीन, कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है ला इकरा फिद्दीन, किसी भी हालात में किसी को मजबूर करके, किसी को ट्रैप में फंसा कर, किसी को लालच देकर आप उसको दीन नहीं कबूल करवा सकते हैं। ला इकरा फिद्दीन,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमारे हमारे मुसलमान भाई जैसे ही हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते हैं, उसको फंसाते हैं, उससे शादी करते हैं, उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये चीटिंग हुआ, ये चीटिंग हुआ जिसकी जिसकी अनुमति कुरान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। ये मुसलमानों ने अपनी मर्जी से कर लिया है मुल्लाओं के कहने पर कि तुम एक काफिर को अगर मुसलमान बना दोगे तो तुमको आसमान पे जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेगी और उस कोठा का तुम आराम से लाभ उठाओगे, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को निकालोगे। अब मैं आपके टॉपिक पर आ जाती हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल देने जरूरी थे, बहुत जरूरी थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और जैसे कि आपने देखा, भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी ने कितने क्लियरली और डीप तरीके से आपको मतलब समझाया धर्म और मजहब के बीच में फर्क का। वेल, मुझे तो यही समझ में आता है, धर्म वो है जहां पे गाय की पूजा होती है और मजहब वो है जहां गाय को खाया जाता है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार खासकर धर्म परिवर्तन को लेकर जरूर शेयर करें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।